Hello children, welcome to chemistry class. Today we are going to discuss very important topic of class 10, chemistry. So what is our topic? That I told very important topic. Kya hai aapka bahut mahatvapurna topic? Isse log kya kehte hain? Isse log padhenge baking soda. Kya padhna beta? Baking soda. जानेंगे और ये जो है एक प्रकार का साल्ट बेकिंग सोडा. अगर यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3. इसका जो नेम होता है वो हम क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है? बेकिंग सोडा. और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट. अगर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, सर इसको याद कैसे करेंगे, बार बार भूल जाते हैं. बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में कंफ्यूजन होता है, नेम को लेकर कंफ्यूजन होता है. तो इसको थोड़ा ट्रिक्स हम लोग देखेंगे. देखो यहाँ पे बेकिंग याद नहीं बेटा, बेकिंग मतलब आप ये बहुत सारी चीजें बेक की होगी, मतलब सोडो बेक मतलब पीला करते हैं, मतलब इसको हम लोग खाने का सोडा, मतलब इसका उपयोग खाने में यूज किया जाता है. अब देखिए बेकिंग सोडा ध्यान देंगे बेटा, बेकिंग सोडा में हम इसको कोरिलेट करने जा रहे हैं. आपको ध्यान देना है कि बेकिंग सोडा ध्यान देंगे, बेकिंग सोडा को यहाँ 22 से अपन मतलब कोरिलेट करते हैं. ध्यान देंगे बेकिंग सोडा बाई अर्थात हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा. सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. इससे हम लोग मतलब जो बाई कार्बोनेट है आपको बाई कार्बोनेट क्या करना है, और बाई कार्बोनेट हम क्या करते हैं दोनों का मैच करा पी बी बाई कार्बोनेट बाई कम्बिक से कोर्डिनेट करते हैं बेकिंग. तो हम लोग क्या कहेंगे कि सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा है. सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा. एंड पहला आप सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3. अब हम लोग देखेंगे कि बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाए, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये रिएक्शन के थ्रू हम लोग देखेंगे. सो बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन टू CO2 एंड NaCl बेकिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर. सो वी कैन से like this, we can define here. So how we can define it? We can write like this: when brine react with CO2 and NH3. When brine react with CO2 and NH3, is sodium hydrogen carbonate with NH4Cl. तो ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि when brine react with CO2 and NH3 yields sodium carbonate and sodium bicarbonate and sodium hydrogen carbonate with NH4Cl. तो ये हो गया preparation method. ये देखते हैं बेटा कि जो brine क्या कर रहा है, H2 मतलब इसी तरीके हम लोग brine कर देते हैं. जब brine किसे CO2 और NH3 के साथ react करता है तो sodium chloride और sodium bicarbonate या sodium hydrogen carbonate प्राप्त होता है. अब देखिए अगर sodium carbonate को सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जीत किया जाता है, तब हमें क्या करना है, तो देखो सोडियम बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट में उसको जब हम लोग जीत करते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, हमें सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 प्राप्त होता है. यानी कि व्हेन सोडियम बाई कार्बोनेट या सीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू सोडियम कार्बोनेट H2O एंड CO2. अब देखिए मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो CO2 प्रोड्यूस होता है, ये जो CO2 प्रोड्यूस होता है
ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसका उपयोग होता है। जब हम लोग किसी सोडा को जो है, आखिर ये हम ये मालूम है कि खाने का सोडा है, जिसको हम लोग जो पकौड़े या ब्रेड पकौड़े जो हम लोग बनाते हैं तो इसको मिलाते हैं, तो जब इसको हम लोग हीट करते हैं, मतलब जब उसमें मिलाते हैं तो वो हीट होता है, तो दौरान क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। और ये CO2 जो क्या करता है कि जो पकौड़े आज होते हैं उनको फुला कर फुला देता है और उसको स्पंजी बना देता है। जैसे दुकान पर आप जो खाते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को ज़रूर ऐड करते हैं, जिससे उसकी साइज भी बड़ी लगती है और जो है वो स्पंजी भी लगता है, तो आप बड़े स्वाद से उसको खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट ट्रांसल्यूशन एक वेद कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 एड्स सोडियम हाइड्रोक्सल कार्बोनेट विद NH4Cl एंड वेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड इट डीकंपोजेस इनटू सोडियम कार्बोनेट H2 एंड CO2 एंड दिस CO2 बीइंग रिलीज ऑफ दिस CO2 इट मेक्स द थिंग्स सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो लेटर वी विल डिस्कस इट। ओके एंड व्हाट इज द यूसेस टू फॉर बेकिंग पाउडर, मतलब आपने बेकिंग सोडा सुना, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड का मिक्सचर होता है, तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं फॉर बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है और टार्टरिक एडिबल एसिड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। दूसरा है आर हीटिंग, अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो इसको हीट करते हैं तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे साल्ट कोई भी साल्ट ले सकते हैं, तो ये साल्ट एसिड प्राप्त हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ साल्ट एसिड प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ CO2 मिल रहा है, H2O और साल्ट एसिड प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जैसे आपने यहाँ देख लिया, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पर हम लोग इसको बोल लेंगे तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देंगे इसको बोल लेंगे तो यहाँ जो साल्ट एसिड है, ध्यान देंगे हम क्या क्या प्राप्त करेंगे, Na2 ध्यान देंगे Na2SO4 यहाँ पर हमें साल्ट एसिड प्राप्त हो जाता है अर्थात। और दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो CO2 ये प्राप्त होता है, ये CO2 बहुत ही यूजफुल होता है, कैसे यूजफुल होता है, लेकिन CO2 राइज द ब्रेड आर केक, ब्रेड आर केक जब ये केक जो बनाए जाते हैं, ब्रेड पकौड़े बनाए जाते हैं, केक जो बनाए जाते हैं, तो ये CO2 क्या करता है उनको राइज कर, उनकी साइज बड़ी कर देता है एंड मेक द मेक दम फली मेक दम स्पंजी। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे ब्रेड में ऐड करते हैं और केक में ऐड करते हैं या ब्रेड पकौड़ा आज बनाते हैं उसमें हम लोग ऐड करते हैं, तो इस CO2 के कारण क्या होता है, ब्रेड की साइज बड़ी हो जाती है, केक की साइज बड़ी हो जाती है और उसको स्पंजी बना देता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूज एज ए आयरन एसिड, तो इसका उपयोग आयरन एसिड आप लोग जानते हैं कि जब एसिडिटी होती है तो उसमें हम लोग आयरन एसिड का उपयोग करते हैं और ये आयरन एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट है इट इज यूज इन एसिड सोडा फायर, तो इसका उपयोग हम जो फायर एक्सटिंग्विशर जो आपके घरों में लगे होते हैं, आप जो शामक यंत्र से करते हैं या आपके स्कूल में लगा है, इसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के काम में आती है। ये हो गया आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो हम लोग ध्यान देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर सकते हैं, और बेकिंग को आप बाई से लगा दीजिए, बाई से लगाइएगा बेकिंग, आपको लाइफ टाइम को नहीं मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो लाइफ टाइम आपको नहीं भूलेगा कि बाइकार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा है। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं कन्फ्यूज होते रहते हैं, बार बार कहते हैं सर कन्फ्यूज जाते हैं बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा इसका यूज़, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब इस पैसे हम लोग इसलिए उनके वजह से याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वार्षिक सोडा, नेक्स्ट टॉपिक इज वार्षिक सोडा, नेम ऑफ कैपिटल नेम ऑफ वार्षिक सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट एंड फार्मूला ऑफ दिस इज Na2CO3N2 10H2, ये आपका वार्षिक सोडा, ध्यान देंगे
ये आपका वाशिंग सोडा है। तो वाशिंग सोडा के कारण इससे जो है हम लोग वाशिंग सोडा हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर लेते हैं, हमें क्या बनाना होता है सोडियम कार्बोनेट CO2 और इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है वाशिंग सोडा, मतलब सोडियम कार्बोनेट जो प्राप्त होता है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है वाशिंग सोडा। और जो आपका वाशिंग सोडा होता है एक बेसिक साल्ट होता है, ये बेसिक साल्ट होता है। और इसके यूसेज क्या है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे वाशिंग सोडा मतलब इट इज़ यूज्ड फॉर तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे इसका यूज क्या है वाशिंग पर्पस, मतलब वाशिंग सोडा का हमें यूज क्या है वाशिंग पर्पस, काम का यूज क्या होता है सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री, सोप ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, मतलब वाशिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसका उपयोग क्या होता है बोरेक्स बनाने में, एक केमिकल कंपाउंड है जिसको बनाने में उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो है क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस में क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और इसका सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको इसका उपयोग जो है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इसका उपयोग जो है वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये हमने देखा कि वाशिंग सोडा क्या है आपका, वाशिंग सोडा हमने देखा वाशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला है Na2CO3 and KNH2O। और इसको कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर हीट करने पर यहाँ दिखा सकते हैं, अगर हम लोग इसको हीट कर दें तो सोडियम कार्बोनेट आपको यहाँ पे प्राप्त करता है, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करने से हमें जो है वाशिंग सोडा प्राप्त करता है। ये भी आपका एक तरीके से बेसिक साल्ट होता है, वाशिंग सोडा आपका बेसिक साल्ट होता है। इसका उपयोग जो है इसका मेन उपयोग जो है हम देखते हैं कि वाशिंग पर्पसेस में जैसे ग्लास पेपर और सोप इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, इसको बोरेक्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, और ये जो है वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस सी इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड एंड लाइक द वीडियो, सो आई विल मेक इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग सो आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर क्लास टेन, सो प्लीज स्टूडेंट्स शेयर इट।